ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के एमसीक्यू। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है एक्टिवेटेड स्लज इज, एक्टिवेटेड स्लज होता क्या है। ऑप्शन ए एरेटेड स्लज इन द एरेशन यूनिट, ऑप्शन बी स्लज सेटल्ड इन द ह्यूमस टैंक, ऑप्शन सी स्लज इन सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोब माइक्रोबिकल मास, ऑप्शन डी स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, स्लज इन द सेकेंडरी टैंक, स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोबियल मास। ठीक है, स्लज क्या होता है, स्लज वो सेकेंडरी टैंक में होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और आफ्टर एरेशन होता है। ठीक है, एंड रिच इन माइक्रोबियल मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ए कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट The oxygen demand is highest near the option A inlet end of the aeration tank, option B outlet end of the aeration tank, option C inlet end of the clarifier, option D outlet end of the clarifier. तो इसका आंसर हो जाएगा A inlet end of the aeration tank. ठीक है, in a conventional activated sludge plant the oxygen demand is highest near the inlet end of the aeration tank. ठीक है, next question आता है लोअर एफ बाई एम वैल्यू इन ए कन्वेंशनल एक्टिवेटेड ट्रीटमेंट प्लांट विल मीन, ऑप्शन ए लोअर बीओडी रिमूवल, हायर बीओडी रिमूवल, ऑप्शन सी नो इफेक्ट ऑन बीओडी रिमूवल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हायर बीओडी रिमूवल। ध्यान रखना एफ बाई एम रेशियो की वैल्यू अगर कम होगी तो उसका मतलब होता है हायर बीओडी रिमूवल। ठीक है, बीओडी रिमूवल की वैल्यू हायर होगी। ठीक है, लोअर एफ बाई एम वैल्यू इन ए कन्वेंशनल एक्टिवेटेड ट्रीटमेंट प्लांट विल मीन higher BOD removal. ठीक है, next question आता है हमारे पास the aeration process adopted in an activated sludge plant which ensure optimal utilization of air is known as. ठीक है, क्या बोल रहा है, the aeration process adopted in an activated sludge plant which ensure optimal utilization of air is known as. क्या बोलते हैं उसको, conventional process बोलते हैं या step aeration बोलते हैं या activated aeration बोलते हैं या फिर tapered aeration बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम उसको बोलते हैं tapered aeration. ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टेपर्ड एरेशन। द एरेशन प्रोसेस एडॉप्टेड इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट व्हिच एंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एयर इज नोन एज टेपर्ड एरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास रीसर्कुलेशन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डन टू, क्यों करते हैं हम रीसर्कुलेशन का प्रोसेस इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि रीसर्कुलेशन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डन टू, ऑप्शन ए dilute the incoming sewage, option B dampen the effect of flow variation, option C operate the plant continuously, option D supplied seed material to the aeration tank. तो हम वो क्यों करते हैं, हम वो करते हैं to supplied seed material to the aeration tank. ठीक है, recirculation in activated sludge process is done to supply seed material to the aeration tank. ठीक है, next question आता है हमारे पास for conventional activated sludge process the mixed liquor suspended solid should range between. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, for conventional activated sludge process the mixed liquor suspended solid should range between, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए 1500 से 3000 मिलीग्राम लीटर पर लीटर। ठीक है, 1500 टू 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, for conventional activated sludge process the mixed liquor suspended solid should range between 1500 टू 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मिक्स्ड विद द सीवेज इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मिक्स्ड विद द सीवेज इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में परसेंटेज कितना होगा एक्टिवेटेड स्लज मिक्स का, तो कितना होगा 20-40% होगा। ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है मेरे को, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज मिक्स्ड विद द सीवेज इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स, तो कितना होगा 20-40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आर नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आर नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर, किसके लिए प्रिफर्ड किया जाता है, तो वो प्रिफर्ड किया जाता है लार्ज साइज्ड सिटीज के लिए। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आर नॉर्मली प्रिफर्ड फॉर लार्ज साइज्ड सिटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एक्टिवेटेड स्लज, ऑप्शन ए कंटेन्स फर्टिलाइजिंग कंस्टिट्यूट्स, ऑप्शन बी इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एरेशन,
ऑप्शन सी इंडिकेट्स हाई वाटर कंटेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। ठीक है, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है कंटेन फर्टिलाइजिंग कंस्टिट्यूट्स, इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एरेशन एंड इंडिकेट्स हाई वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड जो स्लज होता है वो तीनों कंटेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, मीन सेल रेजिडेंस टाइम फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कितना होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए मीन सेल टाइम, वो होता है 4 to 15 days। ठीक है, मीन सेल रेजिडेंस टाइम फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस 4 to 15 days, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसिडर एक्टिवेटेड स्लज, हमें एक्टिवेटेड स्लज कंसिडर करना है। फर्स्ट बोल रहा है इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेटलिंग ऑफ सीवेज इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड बोल रहा है द एरेशन पीरियड इज 3 to 6 hours। थर्ड बोल रहा है द बल्किंग ऑफ स्लज इज रिमेडिएटेड बाय द क्लोरीनेशन। ठीक है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास, ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेल्टिंग ऑफ सीवेज इन प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और द एरेशन पीरियड इज 3 to 6 hours, द बल्किंग ऑफ स्लज इज रिमेडिएटेड बाय द क्लोरीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड टू, इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड टू, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम एक्टिवेटेड स्लज क्यों एड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है इन्फ्लुएंट ऑफ प्राइमरी सेडिमेंशन टैंक, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंट ऑफ सेकेंडरी सेडिमेंशन टैंक, ऑप्शन सी बोल रहा है एफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी सेडिमेंशन टैंक, ऑप्शन डी बोल रहा है एफ्लुएंट ऑफ सेकेंडरी सेडिमेंशन टैंक। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें हमारा सही आंसर होगा सी effluent of primary sedimentation tank. In activated sludge process, the activated sludge is added to effluent of primary sedimentation tank. ठीक है? Next question है हमारे पास, assuming that the superintendent is clear of suspended solid. ठीक है? तो बोल रहा है, assuming that the superintendent is clear of suspended solids, 1 liter of activated sludge containing 1000 mg per liter MLSS occupies a volume of 200 milliliter after setting of 30 minutes in a measuring cylinder, the values of SVI will be, SVI की value क्या होगी, तो इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा SVI की value हमारे पास आ जाएगी C 200, ये numerical नहीं आएगा अपने RPSCVI में। Next question है, an aeration basin with a volume of 400 m³ contain a mixed liquid with a suspended solids concentration of 1000 mg per liter, the amount of mixed liquid suspended solid in the tank is, ठीक है, ये भी numerical है, तो इसका आंसर हो जाएगा D 400 kg। Next question है हमारे पास, for normal sludge the value of sludge index for Indian condition is, ठीक है, क्या बोला है, for normal sludge the value of sludge index for Indian condition है, तो Indian condition के लिए कितनी होती है 50 to 150। ठीक है, 50 to 150, ध्यान रखना 50 to 150 normal sludge के लिए value होती है sludge index की इंडियन कंडीशन के लिए। ठीक है,